गुड मॉर्निंग से हो गई है हमारी शुरुआत। गुड मॉर्निंग शिवांश, यहाँ पे पार्सल अभी भी पड़ा है, कल डालने जाना था पर गिरीश भूल गए, तो आज तो वो डेफिनेटली डालने जाएंगे वापस चीन का जो है वो। और शिवांश क्यों इतना एक्साइटेड है? शिव वाई हिजलन ने बताया ना एंड बंक बेड आनो। हाँ शिवांश को ना बंक बेड कितने टाइम से चाहिए था, मैंने नहीं ले दिया क्योंकि मुझे लगता था कि अभी डबल बेड की जगह है तो बंक बेड क्यों लेना, पर उसको बहुत शौक है तो हम लोग बंक बेड लाने वाले हैं ऑफिस रूम में स्पेशली फॉर किड्स शिवांश आदि और हेजू के लिए, है ना? तो वो लोग एंजॉय कर पाए, धमाल मस्ती कर पाए। ये वाला दूध जो यहाँ बदे आदि तारा माटे शू आवानो इंडिया थी? मने खबर मैंगो। यस मैंगोज, सबके लिए मैंगो आने वाली है, यहाँ पे मिलती है। आई नो आपके बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सब कुछ यहाँ मिलता है फिर भी वो लोग ला रहे हैं, उसे ही माँ का फैमिली का प्यार बोलते हैं। अभी मैं कुछ और बोलना ही नहीं चाहती, जितना लाना है लाने दो, कोई बात नहीं। मजा आता है ना, कुछ आता है तो इंडिया से, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो आने सु के भाई पिगी बैक राइड ओके बैक राइड। हमें लोग ने गाठिया पेंडा चाहिए अभी और चटनी नीचे हमें लोग ने गाठिया पेंडा के था शिवांश। हां हां तो अभी फटाफट से बना लेते हैं इट्स का लंच सैंडविचेस एज यूजुअल। सैंडविच होती है, पास्ता होता है, सब कुछ मिक्स होता है। अभी सैंडविच आज बनानी है तो फटाफट से बना लेते हैं और स्कूल पे भेज देते हैं, और उसके बाद हमारा क्लीनिंग का जो शेड्यूल है वो फिर से स्टार्ट कर देते हैं सारे रूम क्लीन करने के लिए। एक आधा हो गया है, एक आधा बाकी है। लॉन्ड्री स्टार्ट सुबह से ही हो गई, सारे बेडशीट वगैरह सब कुछ धो देना है। धूप आई है, धूप तो थोड़ा थोड़ा सुखा देते हैं। तो फ्रेंकी कल की थी, वही आज हमारा ब्रेकफास्ट भी था क्योंकि ऐसी चीजें दूसरी बार खाने का मजा आता है, ऐसा नहीं है कि बोर हो जाते हैं। तो वो हो गया है अभी। हाँ अभी जो है वो लॉन्ड्री हो गई है तो वो सुखा देते हैं फटाफट से। तो जी आज बारी है हमारे मास्टर बेडरूम की जो क्लीनिंग करने में। तो ये वायर ना बहुत बीच में आ रहा है, सभी रूमों में हम लोगों को ये दिया हुआ है। आई थिंक ये केबल है टीवी का, बट हम लोग तो यहाँ पे रखते नहीं है सभी रूमों में। पर एनीवे यहाँ पे डीप क्लीन हो गया है, चद्दर वद्दर सब कुछ धो दिया है, ये कपड़े वपड़े सब कुछ ठीक करने हैं। बस ये बेड यहाँ से हटा दूँ, ये फ्लोर वगैरह चमकने लग गया है देखिए इस तरह से। और बाहर जो है वो काम कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इतनी आवाज़ कर रहा है ना सुबह से पूरे। देखो पर धूप अच्छी निकल के आई है तो इसीलिए हम सारे विंडो वगैरह सब कुछ खोल देंगे अच्छे से, सारा घर जो है थोड़ा नया नया सा हो जाए। तो स्कूल से आते ही सेम मेन्यू देख के आदि क्या बोला शिवांश? अगेन मम्मा, अगेन आदि, अगेन शिवु। फ्रेंकी है आज भी, आज थोड़ा ट्विस्ट डाला है जो ग्रीन जो लगे चलो। हाँ क्योंकि इन लोगों को ये जैसा पसंद है वैसा करके दिया हुआ है, तो एंजॉय योरसेल्फ यू बोथ एंड लीव मी अलोन। Okay. ये देखिए मेरी कपड़ों की हालत कैसी हो गई। आई नो आप लोग बोलेंगे कि चिपटा लगाना चाहिए, पर मैंने जब भी सुखाया था ना तभी इतना विंडी नहीं था तो मैंने ऐसे ही सुखा दिया। पर कोई बात नहीं, अभी आधे से ज्यादा तो कपड़े सूख गए हैं और अभी मैं ले ही लेती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए शिवांश को। अरे वाह शिवु है रोनाल्डो, बताओ। ओहो हो अभी 5 बजे मुहूर्त आया है मेरा हेयर वॉश करने में क्योंकि बहुत बिजी चल रहा है। सिर्फ सूरत वाले नहीं मैं भी, क्योंकि पूरा घर जो है वो टाइडी भी करना है, सारे सामान रखने के लिए जगह भी करनी है, बहुत ज्यादा काम है। तो इसीलिए ओके ये लोगों को तो खेलने देते हैं, कपड़ों का सब कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं। और एक शिवांश का रूम थोड़ा सा बाकी रह गया है मेरा टाइडी करने के लिए, वैसे तो क्लीन हो गया है बस थोड़ा बहुत टाइडी ही करना है तो वो फटाफट से कर देते हैं। मेरा रूम जो है मास्टर बेडरूम वो हो गया है डन। उन लोगों को कपड़े वगैरह रखने के लिए जगह बनानी थी वो भी मैंने कर दिया है, क्योंकि जितना रुकेंगे उतना बैग में से तो कपड़े निकाल निकाल के तो पहनेंगे नहीं, तो वो सब कुछ भी करना था। तो वो बहुत काम कर लिया है, बहुत बाकी है वैसा है। तो हेयर वॉश किया है तो मुझे एक कमेंट याद आई, अभी कमेंट आई थी कि आप कौन सा शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हो, तो मैं करती हूँ पेंटिन, जो
ऑयल कंट्रोल वाला कुछ ना कुछ तो है, मिनरल वाला वो है कुछ, मैंने नाम याद प्रॉपर नहीं है, पर पेंटिन यूज करती हूँ। कंडीशनर और शैम्पू दोनों डिफरेंट आते हैं। अभी आई थिंक टेस्को में जो शैम्पू है वो 3 pounds का रखा हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कंडीशनर डिफरेंट लेना होता है। तो समटाइम मेरे हेयर बहुत ही अच्छे लगते हैं उससे, और समटाइम इतने फिजी लगते हैं। आज कोई ने इंडिया गर्मी थाय, कोई ने यूके मा, लंडन मा नहीं ने, पण लेस्टर मा गर्मी थाय, बोलो 18 degrees पसीने रेप जेप थे गए छे छोकरी, रेप जेप तो नहीं थे, इधर रेप जेप तो नहीं होता। हां तो रेप जेप हो गई है तो यहां पे आया और बेबी को लेके आ गई है पवन खाने के लिए हमारे घर में। गर्मी નવસારી મજા આવી આ વખતે ઇન્ડિયા ગયા તો આનંદ હે ટાઈમ ઓછો પડે આનંદ ભાઈ વૈસે બોર્ન એન્ડ બોટર ફ્રોમ હિયર और इंडिया ज्यादा पसंद आता है ने? नौहारी वाले को लुका है। चलो जाने दे पाछो इंडिया देवर रेडी इने भी मजा आवता पर मैं अहीने एक तो सांस से तो सा इतना बोले हां हां आगे तने खाई जाए એટલે પછી હોય ગ્રુપ પડે છે તો લોકો ભી હોય એટલે ગ્રુપ જોઈએ કાઈ ના હોય એવું હો એટલે પર મેં ઇન્ડિયા જાવ છે કે ચલો હું તો રેડી છું ચલો તો રેડી છું બસ બાંધીને જઈએ ચલો એટલું તો રહી જ ને baby shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark I know baby shark wow boy 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 baby aapka ha એટલે જ bye ayu 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 aa baju jo ni ha chalo ayo ab papa bye kar ayu bye 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 कल आना कल मस्त ना धो के कल आना है ओके। गुड मॉर्निंग में ये लोग आ गए हैं हमारे ऑफिस रूम में क्योंकि यहाँ पे नया नया बन गया है बंक बेड। कल रात को जब ये बन रहा था ना तब ये दोनों सो गए थे तो अभी सुबह उठते ही पता चला कि ये हो गया है बिल्ड। अभी बस गद्दे गद्दे आ जाए और उसके बाद एंजॉय करेंगे ये लोग। There's no mattresses. There's no mattresses, yeah. I'm gonna be so excited. Are you? Where are you going to sleep? I didn't chair, but I can stand here. Is it okay, Susie? Is it right, Denise? No. She will want a Kanish Cooper, eh? I'll go here because she's like full out. Yes. तो मॉर्निंग में बन गया है यहाँ पे बच्चों के लिए पास्ता, आदि's फेवरेट। आदि अच्छे हैं क्योंकि बहुत ही सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जिनी एंड हार्दिक एंड सरिका एंड कनिष्क एंड हेजू सबका। सो मैं भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से वो लोग आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी सुबह हो गई है आज की भी हमारी, और आज सुबह मैंने क्वेश्चन आंसर किया था फर्स्ट टाइम एवर इन इंस्टाग्राम, वॉज लवली एक्सपीरियंस, बहुत ही मजा आया। उसी बीच में फोन आ गया था का कि तुम आ जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे वैसे ठंडी लग रही है, पता नहीं उसको ठंडी क्यों नहीं लग रही है, पर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं वहाँ पे क्या कर रही है देखते हैं। हम दोनों की ना आदत है सुबह सुबह ना फेस टाइम करके प्लान क्या है वो पूछ लेते हैं एक दूसरे को, तो आयरा देखती है ना तो वो ऐसे करती है कि आ जाओ जल्दी से। मैंने सोचा अभी आज थोड़ी देर के लिए उसको खेल के आ जाते। आज तो तू बढ़िया रेडी होके रेडी हो गई है। बढ़िया क्या है, हेयर वॉश किया। यू बेबी देखिए क्या है क्या बस बात है एक बाया एक बाया अभी जाओ अंदर आयो हाँ तो चाय बना भी मेरे मटे अच्छा पास हो पास हो भाई जा पास ने नहीं वाह वाह आयु
काल बोल से तू हाँ बाड़ी से हाय हेलो हाउ आर काका काका हाय अरे वाह देखते ही देखते हो गए है दोपहर का टाइम और यहाँ पे मेरी चल रही है दोपहर की चाय। चाय के साथ ना मुझे अभी आदत हो गई है कुछ ना कुछ साथ साथ में खाने के लिए, तो अभी दो तीन दिन से ना थोड़े थोड़े एक या दो जो रीच टी के बिस्किट आते हैं ना वो खा रही थी, पर आज वो है नहीं तो आज मैं खा रही हूँ तो चिप्स। तो ये चिप्स के साथ ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये अचार चख लिया, ये अचार बनाया था मैंने कल जो सारिका ने कट किया था ना उसी स्टाइल में मैंने कट किया, पर इसके अंदर मैंने सिर्फ अचार मसाला ही डाला है, ऑयल भी नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ अचार मसाला। मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं ऑयल के बगैर कैसा लगता है, क्योंकि गिरीश को अचार चाहिए ही चाहिए होता है, तो बहुत ज्यादा ऑयल डालने से बेहतर है कि ऐसे ही ट्राई किया जाए, क्योंकि जो मैंगो होती है ना उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऑलरेडी होता ही है, अगर उनको ऐसा लगा कि डालना है तो गर्म करके डाल दूंगी, वरना ऐसा ही अच्छा लग रहा है। मैंने अभी टेस्ट किया पर थोड़ा सूखा सूखा लगता है आई नो, पर थोड़ा बहुत चलाना भी पड़ेगा अगर खाना है तो। लाइटली सोल्टेड यहाँ पे हमारी टोरिटोस है, वो दो तीन खा लूँ तो फिर चलेगा फिर चाय के साथ। अभी मुझे वो आदत छोड़नी है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना है। तो फाइनली अब जाके हमारे पास वालों का काम जो है वो खत्म हुआ, सुबह से काम चल रहा था जैसे कि मैंने बोला आगे वीडियो में भी, तो अब जाके थोड़ा शांति हुई और घर का भी मेरा सारा काम खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए धूप लेके आओ बाहर वॉक कर। तो कल की ना एक इतनी फनी मुझे लगी वो कमेंट, आई डोंट नो आपको लगे या ना लगे, पर किसी ने कमेंट की, दीप्ति पटेल ने ही कमेंट की थी एक्चुअली, कि जेठालाल और दयाबेन के घर पे सुंदर वीरा दो आ रहे हैं, और मुझे इतनी हंसी आई क्योंकि मैं जेठालाल रेगुलरली नहीं देखती, कभी कभी देख लेती। तो हमारा घर ना वहाँ पे है और यहाँ से वहाँ तक वॉक करके यहाँ आने के बाद आई नो आप लोग को थोड़ा ऐसा वैसा लगेगा, पर मुझे यहाँ पे कैनल के आसपास रहना, यहाँ कैनल के पास आना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जो वो पानी की आवाज़ वगैरह आता है ना, देखिए यहाँ पे ऐसी आवाज़ आती है पानी की, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। आई थिंक यहाँ पे एक बोट रिसेंटली गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने घर से देखा था तो ये गेट बंद था, अभी खुल गया है, खुला छोड़ के ही चले गए, वरना ये गेट बंद करना होता है ताकि पानी का जो लेवल है ना वो ठीक रहे, वहाँ पे थोड़ा ऊपर रहता है, यहाँ पे थोड़ा नीचे और उससे नीचे यहाँ पे, इस तरह से ये लोग मेंटेन करते हैं, पर कोई छोड़ के ही चला गया है। कि हम इंसानों को ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि कहीं पे नहीं रहना, कोई ऐसी जगह हो जहाँ चले जाना है, जहाँ कोई ना हो, बस शांति हो और बस ऐसे ही बैठे, क्योंकि समटाइम मूड ख़राब भी हो सकता है, हमारा ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा हंसते ही रहे, खुश ही रहे। तो उस टाइम पे जहाँ पे मैं जाती हूँ वो मेरी जगह है, ये यहाँ पे बैठती हूँ मैं, कोई नहीं होता, समटाइम एक आध लोग आ जाते हैं भूल से, ऐसा नहीं है कि बिजी रहता, बहुत शांत प्लेस है। तो बस अभी मैं आज तो कुछ है नहीं वैसा, पर फिर भी मैं आज आ गई हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर बैठती हूँ और उसके बाद घर पे चली जाती हूँ। तो बस अभी तो वीडियो का एंड यहीं पे कर दे रही हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। और कैसी लग रही है अभी के वीडियोस मेरे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, आई नो बहुत सारी कमेंट्स आ रही है आप लोगों की, सो थैंक यू सो मच दिल से। जितने मैं आंसर जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं ना वो कमेंट में ही दे रही हूँ, अगर रह जाता है तो आई एम सो सॉरी, और बाकी रहते हैं वो ब्लॉग में बता देती हूँ। तो बस यही है, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग, अभी बढ़ रहे हैं, ऑल थैंक्स टू जयदीप, सो थैंक यू सब लोगों को जिसने सब्सक्राइब किया उन लोगों को भी, और जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे तो उन लोगों को भी, बाय बाय, कल मिलते हैं।